Welcome. Hello everyone. Now we will study the subject dark room of DRT part first. जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने एक इमेज क्वालिटी का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिल्म डिफेक्ट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स एंड देयर पॉसिबल क्योजेज. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिल्म डिफेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी फिल्म की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म. ठीक है, तो दैट मीन्स कि रेडियोग्राफिक जो एक्सरे फिल्म है उसके अंदर जब अपन प्रोसेसिंग कराते हैं, प्रोसेसिंग कराने के बाद में जो आपको फिल्म मिलती है जिसको आप क्या बोलते हो, रेडियोग्राफ बोलते हो. ठीक है, उस रेडियोग्राफ के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसकी इमेजेस के अंदर, जो कि एक डायग्नोस जो आप डायग्नोस कर रहे हो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकती हैं. ठीक है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा सकती हैं. ठीक है, तो वो जो डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. उन डिफेक्ट्स को हम यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, दो वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं इनके लिए, या तो इनको हम फिल्म डिफेक्ट्स बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोल सकते हैं. ठीक है, एंड देयर पॉसिबल क्योजेज. ठीक है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्योजेज यानी कारण, कि यानी कि जो डिफेक्ट्स या फिर जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं. ठीक है, उन कारणों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे और उन कारणों के हम कैसे रिकवरी कर सकते हैं, कैसे उन क्योजेज को हम हटा के इमेज क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. जैसा कि आपको पता है हमने इमेज क्वालिटी के अंदर भी पढ़ा था कि इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके डार्क रूम के अंदर. ठीक है, जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, जो आपकी इमेज की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसा कि अगर इमेज क्वालिटी आपकी ख़राब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि चांसेस हैं कि आप वहाँ पे गलत डायग्नोस कर सकते हो किसी भी चीज़ को. ठीक है, और गलत डायग्नोस करना मतलब आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पे सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है. तो इस वजह से जैसा कि हम डार्क रूम के अंदर हर जगह हर चीज़ पढ़ते हैं, हम रेडिएशन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हम हर जगह ये चीज़ हम हमारी ये कोशिश रहती है कि इमेज क्वालिटी को हमें अच्छा करना है. ठीक है, जितनी बढ़िया हम इमेज क्वालिटी को कर सकते हैं उसके लिए हम सारे के सारे पॉसिबल जो आपके वो होते हैं प्रोसेस वो सारे अपन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे फिल्म के अंदर आने वाले डिफेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, उनके क्योजेज, उनके रिकवरी, उनसे क्या क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या गलत डायग्नोसिस हो सकते हैं, उन सब के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं, एनी एरर और एबनॉर्मेलिटी इन द रीजंस ऑफ द फिल्म विच कैन रिड्यूस द इमेज क्वालिटी ऑफ द रेडियोग्राफ स्काईग्राम इज नोन एज फिल्म डिफेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स. दैट मीन्स कि जो आपकी रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है उसके किसी भी क्षेत्र में, रीजन का मतलब क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक, कोई भी त्रुटि आ रही है. ठीक है, जो क्या कर रही है, विच कैन रिड्यूस द इमेज क्वालिटी, जो आपकी इमेज क्वालिटी को कम कर रही है, डिग्रेड कर रही है. ठीक है, इमेज क्वालिटी को लो कर रही है. ठीक है, ऑफ द रेडियोग्राफ एंड स्काईग्राम, जो आपकी रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म होती है जब आप उस पर इमेज लेते हो, उसको जब आप प्रोसेस कराते हो, प्रोसेस कराने के बाद जो आपको फाइनल इमेज मिलती है उसको आप क्या बोलते हो, रेडियोग्राफ बोलते हो. इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है स्काईग्राम. ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगी. स्काईग्राम और रेडियोग्राफ दोनों एक ही चीज़ें होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एक्सरे फिल्म है उसके किसी भी रीजन में कोई भी त्रुटि आ रही है, कोई भी मिस्टेक आ रही है, कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है, जिसके कारण उस रेडियोग्राफ या फिर उस स्काईग्राम की इमेज क्वालिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं मिस्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, फिल्म डिफेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, उनको हम आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं. मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स. अब हमने आर्टिफैक्ट्स को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे हमने ये जो फिल्म आर्टिफैक्ट्स या फिर जो आपके फिल्म डिफेक्ट है इनको इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि उनके सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से वो डिफेक्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट आता है आपका यहाँ पे टेक्निकल आर्टिफैक्ट, सेकंड आता है प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट, और थर्ड आता है यहाँ पे पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट. फर्स्ट की बात करते हैं अपन टेक्निकल. तो टेक्निकल वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज लिया गया किसके लिए,
सोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका एक्सरे ट्यूब, आपकी मशीन यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिस्टेक होने के कारण, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण, ठीक है, जहाँ पे आपका जो रीज़न है, ठीक है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, उस आर्टिफैक्ट को, यानी मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कारण अगर आपका जो रेडियोग्राफ है उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हम उसे कौन सा आर्टिफैक्ट बोलेंगे, टेक्निकल आर्टिफैक्ट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आपका आर्टिफैक्ट है यहाँ पे प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट, प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट नाम से समझ रहे हो, जब आप क्या करते हो, इमेजिंग करते हो, इमेजिंग करने के बाद आप इन लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट कराते हो तो उस प्रोसेस को आप फिल्म प्रोसेसिंग बोलते हो। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर वहाँ पे क्या हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में डालेंगे हम, प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स के अंदर डालेंगे। और थर्ड अपन बात करते हैं पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो रेडियोग्राफ है, रेडियोग्राफ के अंदर आपको इमेज लेनी है हैंड का पीए, ठीक है, और आप अगर वहाँ पे ले रहे हो एपी, ऑब्वियस सी बात है फिल्म के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, आर्टिफैक्ट आ रहा है, आपको इमेज एपी की चाहिए थी, आपने ले ली पीए की, यहाँ पे आर्टिफैक्ट कौन सा हुआ, पोजिशनिंग हुआ, क्योंकि आपने पोजिशनिंग के अंदर मिस्टेक की है, ठीक है। तो दैट मीन्स तीन प्रकार के हो गए अपने, एक टेक्निकल, एक प्रोसेसिंग और एक दूसरा पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। वैसे तो सुपरफिशियली हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया, बट अब सबसे पहले अपन टेक्निकल आर्टिफैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट आर्टिफैक्ट विच इज़ नोन एज टेक्निकल आर्टिफैक्ट, जिसका नाम क्या है, टेक्निकल आर्टिफैक्ट, द आर्टिफैक्ट्स विच आर ड्यू टू द टेक्निकल फैक्टर ऑफ द एक्सरे ट्यूब, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके जो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है उसमें जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं, आपके एक्सरे ट्यूब की जो फैक्टर्स है या फिर उसकी जो टेक्निकल एरर्स है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अपन एक्सरे ट्यूब की ही बात करेंगे, हम यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कैसेट हो गई, जैसे कि आपकी ग्रिड हो गई, ठीक है। ग्रिड के बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बताया था, एक बार दोबारा से बता दूंगा यहाँ पे आगे। और जैसे कि आपका जो डायग्नोसिस करने के लिए आप जो काउच होता है, जिसको आप ट्रीटमेंट काउच बोलते हो, ठीक है, टेबल होती है, टेबल बोलते हो, उसके भी आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। मतलब टेक्निकली जो आपकी जो मशीन है पूरी एक्सरे, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी एक्सरे की जो मशीन है, जिसके अंदर जितने भी आपको कंपोनेंट्स आप काम में ले रहे हो, उन कंपोनेंट्स की कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर के कारण आपकी क्या हो रही है कि जो आपका फाइनल रेडियोग्राफ है या फिर स्काईग्राम जिसको अपन बोल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी आर्टिफैक्ट आ रहा है, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, जिसके कारण हम ह्यूमन बॉडी का जो भी जिस ऑर्गन का अपने को डायग्नोसिस करना था वो अपन गलत डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अपन जो अपनी वर्किंग है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपन वहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो किस में आएंगे, आपके टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स में आएंगे, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो किस रीजन से, मतलब जैसे कि अपन ने बात की कि आर्टिफैक्ट्स हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक टेक्निकल हो गया आपका, एक प्रोसेसिंग हो गया, एक पोजिशनिंग हो गया। अब हम टेक्निकल को भी आगे डिवाइड करेंगे कि जो आपका इसमें कौन सा रीजन है या फिर कौन सी मिस्टेक के कारण कौन सा आर्टिफैक्ट आ सकता है, और फिर हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, आप देख सकते हो, जिसमें हमने एक तरफ डिफेक्ट्स लिखे हैं, दूसरे तरफ हमने उनके रीजन्स लिखे हैं कि किस रीजन से वो डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, और तीसरा हमने उनका रिकवरी लिखा है कि हम उनकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना जो फर्स्ट डिफेक्ट है वो है ओवर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर नाम से समझ रहे हो, ज़्यादा एक्सपोजर लगना फिल्म को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ज़्यादा एक्सपोजर में क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो आपको कैसे विजिबल होगी, ब्लैक विजिबल होगी। ब्लैक विजिबल क्यों होगी कि जैसा कि आपको पता है अगर आपका नॉर्मल एक्सपोजर होता तो जो AGBR क्रिस्टल्स या फिर आपको अपन नॉर्मल बात करें कि आपकी जो एक्सरे फिल्म होती है उसके अंदर इमल्शन लेयर होती है, इमल्शन लेयर के अंदर AGBR के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी पार्ट के अंदर वो एक्सपोज नहीं होते और लो डेंसिटी पार्ट में वो एक्सपोज हो जाते हैं। ये अपनी नॉर्मल सी प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल से अपना लेटेंट इमेज होती है, ठीक है, यहाँ आपकी बात कर ली अपन ने। ओवर एक्सपोजर में क्या होगा कि जो AGBR क्रिस्टल्स एक्सपोज नहीं होने चाहिए थे वो भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। और आपको पता है कि एक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल कैसी इमेज देते हैं आपको, ब्लैक इमेज प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे ब्लैक मेटेलिक सिल्वर मिलता है। तो दैट मीन्स कि ओवर एक्सपोजर के अंदर आपको इमेज कैसी मिलेगी,
ज़्यादा ब्लैक मिलेगी, जो क्या कर सकती है, ज़्यादा ब्लैक इमेज आपको डायग्नोसिस के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स ला सकती है, गलत डायग्नोसिस कर सकती है। जैसे कि ओवर एक्सपोजर में क्या होगा कि जो बॉडी पार्ट्स अपने को विजुअलाइज हुआ करते थे नॉर्मल एक्सपोजर में, वो भी आपको वहाँ पे विजुअलाइज नहीं होंगे, उनकी केवल आपको ब्लैक इमेज मिलेगी। तो ये भी एक सबसे बड़ा फिल्म डिफेक्ट और आर्टिफैक्ट है। अब अपन बात करते हैं इनके रीजंस के, तो यहाँ पे इनके दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है हाई केवी एमएएस और हाई एक्सपोजर, ठीक है। पहला तो ये हुआ कि आप जहाँ से एक्सपोजर सेट कर रहे हो वहाँ से आपने क्या किया, बाई मिस्टेक एक्सपोजर हाई कर दिया, तो उसके कारण भी आपका क्या लग गया, ओवर एक्सपोजर हो गई फिल्म, ठीक है, फिल्म को ज़्यादा एक्सपोजर लग गया। दूसरे रीजन की अगर अपन बात करें, दूसरा रीजन आपका क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑन फास्ट स्पीड स्क्रीन। दैट मीन्स ये हुआ कि आपने यहाँ पे क्या किया, स्क्रीन भी कौन सी यूज़ कर ली, फास्ट स्पीड वाली, और आप एक्सपोजर भी वहाँ पे क्या दे रहे हो, पेशेंट को हाई दे रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों चीज़ें हाई होंगी, ठीक है, हाई स्पीड स्क्रीन होगी और एक्सपोजर भी आप हाई यूज़ करोगे, तो वो दोनों मिला के जो आपका टोटल आपको प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे एक्सपोजर और भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है जहाँ पे ओवर एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। ओवर एक्सपोजर का मैंने आपको बता दिया कि आपको फिल्म कैसी मिलेगी, यहाँ पे ब्लैक मिलेगी। अब अपन इनकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट कि जो आप केवी एमएएस वहाँ पे जो एक्सपोजर फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो वो ऑप्टिमम करो, मतलब एकदम करेक्ट करो, ठीक है। यूज़ एक्यूरेट ऑप्टिमम फैक्टर्स ऑन द फिल्म, ठीक है। फिल्म के ऊपर करेक्ट फैक्टर्स अगर आप यूज़ करोगे तो आप इस त्रुटि को या फिर इस मिस्टेक को दूर कर सकते हो। दूसरा, यूज़ एक्यूरेट फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन। जब आप फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का कॉम्बिनेशन करते हो तो वो भी आपका कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। मतलब कौन से बॉडी पार्ट में आपको फास्ट स्पीड स्क्रीन चाहिए, या फिर कौन से डायग्नोसिस में फास्ट स्पीड स्क्रीन चाहिए, कौन से में लो स्पीड स्क्रीन चाहिए, तो उनका अपन क्या करेंगे, जो आपका कॉम्बिनेशन अगर वो अपन करेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम ऐसी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे डिफेक्ट की। दूसरा डिफेक्ट है आपका अंडर एक्सपोजर। पहला कौन सा था, ओवर एक्सपोजर, जिसमें एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा था। अंडर एक्सपोजर का मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि एक्सपोजर कम लग रहा है, जितना एक्सपोजर आपको लगना चाहिए था उससे भी कम लग गया। जहाँ पे आपको एक्सपोजर कम मिलेगा अंडर एक्सपोजर की फिल्म आपको कैसे देखने को मिलेगी, वाइट, ठीक है, एकदम तो वाइट नहीं होगी, बट अपन बात कर सकते हैं कि वो आपकी ज़्यादा वाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी ओवर एक्सपोजर की ज़्यादा ब्लैक देखने को मिलती है। ये भी आपकी गलत डायग्नोसिस कर सकती है बहुत सारी, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी अपन आगे देखेंगे क्या होता है। अभी अपन रीजंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दो ही रीजन सेम वाले हैं। एक तो क्या हो सकता है कि जो आप फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो वो गलती से आपके कम हो जाएं, ठीक है। फर्स्ट रीजन है आपका लो केवी एमएएस और लो एक्सपोजर, ठीक है। दैट मीन्स आप जो एक्सपोजर फैक्टर यूज़ कर रहे हो आपने क्या कर दिया, लो कर दिए, ठीक है। तो इसका जो रिकवरी है वो यही है कि यूज़ ऑप्टिमम फैक्टर्स, जितने आपको फैक्टर चाहिए आप उतने फैक्टर काम में लो, ना तो कम लो और ना ज़्यादा लो। अगर कम लेते हो तो अंडर एक्सपोजर हो जाएगी आपकी फिल्म, और ज़्यादा लोगे तो ओवर एक्सपोजर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रीज़न आपका ये है, ड्यू टू लो एक्सपोजर ऑन स्लो स्पीड स्क्रीन्स। दैट मीन्स आपका ये हुआ कि यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्रीन तो स्लो स्पीड रखी, ठीक है, और उसके बाद में भी आपने क्या किया, एक्सपोजर कम रख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोजर और भी कम हो जाएगा। तो इसका जो रिकवरी है, इसका जो अपने को सही करने का तरीका है, वो भी सेम है, यूज़ एक्यूरेट फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी अपन क्या करें, जो फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का कॉम्बिनेशन है वो अपन सही यूज़ करें, ठीक है। तो दो डिफेक्ट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, एक ओवर एक्सपोजर था और एक अंडर एक्सपोजर, ठीक है। इनके अभी एग्जांपल के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने बात की, ओवर एक्सपोजर में आपको ब्लैक इमेज प्रोवाइड होती है, ठीक है, और अंडर एक्सपोजर के अंदर वाइट इमेज प्रोवाइड होती है। तो इसका एग्जाम्पल एक बार अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो, चेस्ट एक्सरे है अपना। चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन ने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक अंडर एक्सपोजर का और एक ओवर एक्सपोजर का। जैसा कि आप देख रहे हो, अंडर एक्सपोजर के अंदर आपको इमेज कैसे मिल रही है, वाइट मिल रही है, ठीक है। और जैसा कि आप ओवर एक्सपोजर में देख रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक इमेज मिल रही है, यहाँ तक कि आपकी जो रिब्स हैं यहाँ पे वो भी आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अंडर एक्सपोजर रीजन वाला है, जिसके अंदर आप अपने जो लंग्स हैं उनको अच्छे से नहीं विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि दोनों ही कंडीशन आपके लिए क्या है, गलत डायग्नोसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे, गलत आप डायग्नोस करोगे पेशेंट को, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो वो आपकी वहाँ पे गलत मिल रही हो, कोई भी गलत डिजीज़ आप डायग्नोस कर सकते हो। तो इस वजह से इन दोनों डिफेक्ट्स का हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि गलती से भी ये डिफेक्ट्स आपके ना आए। इनके जो अपन ने कॉजेज थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, उनकी अपन ने रिकवरी भी पढ़ ली है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका डबल एक्सपोजर। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आपको
डबल एक्सपोजर, आपने गलती से आपने क्या कर दिया, फिल्म को डबल एक्सपोजर दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसका रीज़न वही बात है, इफ़ सिंगल फिल्म इज़ एक्सपोज्ड ट्वाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक फिल्म थी जिसको एक्सपोज कर लिया था, ठीक है। अब उसमें आपने फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट का या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का आपने वहाँ पे उसको एक्सरे किया, उसको एक्सपोज कर लिया, ठीक है। अब जैसे आप दूसरे पेशेंट का कर रहे हो या फिर उसी पेशेंट के दूसरा बॉडी पार्ट का आपने को एक्सरे करना है, और आपने वहाँ पे क्या किया, बाई मिस्टेक अनएक्सपोज फिल्म लेने के बजाय आपने वही एक्सपोज फिल्म उठा ली और आपने उसको दोबारा से एक्सपोज कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्ट्स क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिल्म ख़राब हो गई, उसको आपने वहाँ पे डबल एक्सपोजर दे दिया, आपको जो इमेज मिलेगी वो करेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर दो बॉडी पार्ट ओवरलैप हो रहे होंगे, और पेशेंट को आप दो बार एक्सपोजर भी दे चुके हो जिसका कोई भी आपको यूज़फुल काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक डिफेक्ट है, ठीक है। इसका काम यही था, ये डबल एक्सपोजर किस तरीके से आया, किस रीजन से आया, ठीक है, जब आप एक ही फिल्म को दो बार काम में ले लेते हो, ठीक है। अब इसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं, ऑलवेज सेपरेट एक्सपोज्ड कैसेट एंड अनएक्सपोज्ड कैसेट, दैट मीन्स कि हमें हमेशा जो एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड जो कैसेट्स है उनको सेपरेट रखना चाहिए। इसीलिए जैसा कि आपने डार्क रूम में पढ़ा था पास बॉक्स के बारे में, वहाँ पे अपन ने दो कंपार्टमेंट बनाए थे, ठीक है, एक एक्सपोज्ड का था एक अनएक्सपोज्ड था, वो जो है आपका डिफेक्ट है इसी को दूर करने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड है वो अलग अलग रहे, वो कभी मिक्स ना हो, अगर वो मिक्स हो सकती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक फिल्म दो बार भी एक्सपोज्ड हो सकती है, या फिर ठीक है जो भी रीजंस है वो अपन ने देख लिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट्स की, रिडक्शन ऑफ इमेज क्वालिटी ड्यू टू फॉग स्कैटर, ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्म एंड स्क्रीन, ठीक है, फिल्म और स्क्रीन का रॉन्ग कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी आपने बात की थी कि जो आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो क्या कर रही है, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करिए, लाइट फोटोन्स एमिट करेगी, उसी लाइट से आपकी जो फिल्म है वो एक्सपोज होगी, और आपकी जो एक्सरे फिल्म है वो क्या हो रही है, लाइट से सेंसिटिव है, ठीक है, उसके भी अलग अलग इमल्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन वहाँ पर सही होना चाहिए, अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप इमेज ढंग से वहाँ पे अच्छे से आपकी इमेज नहीं आ पाएगी, फोग आएगी वहाँ पे, स्कै आपको स्कैट ऐसे लगेगा कि जैसे स्कैटर्ड रेडिएशन इसको हम मिली हो, ठीक है, इसके कारण आ सकता है। अब इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, केयरफुली यूज़ कैसेट्स एंड यूज़ करेक्ट कॉम्बिनेशन, कैसेट्स का हम ध्यानपूर्वक काम में लें और उनका कॉम्बिनेशन आपका सही हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफेक्ट है फिल्म फोग या फिर नॉइज़, नॉइज़ के बारे में हमने इमेज क्वालिटी के अंदर अच्छे से पढ़ा था, कोई भी डिफेक्ट्स जो आ रहा है इमेज के अंदर उसी को हम नॉइज़ बोल रहे हैं। यहाँ पे यूज़ ऑफ डैमेज्ड क्रैक्ड कैसेट, ठीक है, जब अगर आप क्रैक्ड या फिर जो आपकी डैमेज्ड अगर कैसेट काम में लेते हो तो उसके कारण फिल्म के ऊपर फोग आ सकता है। इसका अपने को ट्रीटमेंट या फिर इसके अपन रिकवरी कैसे कर सकते हैं, केयरफुली यूज़ कैसेट्स एंड रिप्लेस द डैमेज्ड कैसेट ऑन टाइम, ठीक है, कैसेट को अच्छे से काम में लें, या फिर अगर आपकी कोई कैसेट डैमेज हो चुकी है तो उसको ऑन टाइम रिप्लेस कर दें, मतलब जैसे अगर वो डैमेज होती है तो उसको आप रिप्लेस करवा लें, ठीक है। अब जैसे कि अपन का फर्स्ट डिफेक्ट था डबल एक्सपोजर, दूसरा आपका फोग वाला, ठीक है, तो इनके अपन एग्जांपल्स एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि फोग की आपको फिल्म कैसी दिखाई देगी, डबल एक्सपोजर की फिल्म आपको कैसी दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं डबल एक्सपोजर वाली फिल्म की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह आपका नेक का एक्सरे है, ठीक है, सर्वाइकल एक्सरे है, लेटरल एक्सरे है, जिसके अंदर नेक की आपके अंदर देख रहे हो आप, आपको एक लॉन्ग बोन दिखाई दे रही है आगे की तरफ, मतलब कि ये फिल्म जो आपकी ये डबल एक्सपोज्ड हुई है इसमें एक बार नेक का सर्वाइकल का एक्सरे लिया गया है, और इसको प्रोसेस कराने से पहले इसमें किसका एक्सरे ले लिया गया था, एक्सट्रीमिटीज़ का, ये किसी भी एक्सट्रीमिटी का हो सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर अपर एक्सट्रीमिटी। तो दैट मीन्स कि डबल एक्सपोजर में आपको दो इमेजेस होंगे, दोनों इमेज ना तो आप क्लियरली डायग्नोस कर सकते हो और आपने पेशेंट को भी एक्सपोजर दे दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फोग्ड फिल्म की, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो इमेज हैं आपकी, लंग कैंसर की यहाँ पे डायग्नोसिस किया है इन्होंने, ठीक है, फर्स्ट जो इमेज है वो आपकी अच्छी इमेज है, बट जैसे आपकी नॉर्मल इमेज होती है वैसी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लंग का कैंसर दिखाया जा रहा है, बट जो आपकी फोग्ड फिल्म है वो आप देख सकते हो कि जो आपकी गुड इमेज है उसके कंपैरिजन में कितनी आपको धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फोग्ड इमेज आपको ऐसी प्रोवाइड होगी जो कि आपको अच्छे से कुछ भी डायग्नोस करने की में हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, दोनों इमेज को आप कंपेयर कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी गुड इमेज कौन सी है और
फॉग्ड इमेज आपको कैसी दिखाई देती है, और इसके डिफेक्ट को हमको दूर करने के लिए क्या करना होगा, एक तो फिल्म और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा रखना होगा, या फिर दूसरा कि आपकी जो डैमेज्ड अपन कैसेट्स हैं उनको काम में ना लें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की, ग्रिड कट ऑफ फैक्टर। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है अपना ग्रिड, तो ग्रिड क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रिड होती क्या है। ग्रिड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हाई एटॉमिक नंबर के मटेरियल से बनता है, और इसका काम क्या होता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसको हम कहाँ पे काम लेते हैं कि आपके जो पेशेंट की बॉडी होती है, जस्ट आप उसके नीचे क्या लगाते हो, पेशेंट के जो आपकी बॉडी के जिस बॉडी पार्ट का आपको डायग्नोस करना है उसके नीचे आप कैसेट रखते हो जिसके अंदर फिल्म होती है। तो ठीक है, इसकी पहले अपन बात करते हैं पोजीशन की, इसको काम में कहाँ लिया जाता है, इसको अपन फिल्म और पेशेंट की बॉडी के बीच में लगाते हैं। ठीक है, अब ये करता क्या है, जैसे ही आपकी जो रेडिएशन बीम आ रही है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएंगी, बॉडी के अंदर वो अलग अलग जगह अलग अलग जो एटॉमिक नंबर है या फिर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डेंसिटी, उनसे वो क्या होंगी, टकराएंगी और स्कैटर होंगी। अब आपको पता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन जब भी किस पे जाती है, आपकी फिल्म पे जाएंगी तो इमेज क्वालिटी को डिक्रीज़ करेंगी, तो आपने वहाँ पे बीच में क्या लगा दी, ग्रिड लगा दी। अब वो ग्रिड क्या करेंगी, जितनी भी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और जो आपकी प्राइमरी रेडिएशन है उसी को फिल्म तक जाने देंगी। ठीक है, अब जैसा कि अपने बात की अपन ने कि ग्रिड है वो हाई एटॉमिक नंबर की बनी है, तो ऑब्वियसली बात है हाई एटॉमिक नंबर की बनी है तो वो जो प्राइमरी रेडिएशन है उनकी जो एनर्जी है उनको भी वो एब्जॉर्ब करेगी। दैट मीन्स जब अपन ग्रिड यूज़ करते हैं तब अपन एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं ताकि आपकी प्राइमरी बीम है वो फिल्म तक पहुंच सके। अब ये बनती कैसे है, इसके अंदर हाई एटॉमिक नंबर की स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, तो वो जो स्पेस होता है उसमें से तो आपकी प्राइमरी बीम निकल जाती हैं और जहाँ पर वो स्ट्रिप्स आती हैं वो क्या करती हैं, स्कैटर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फिल्म तक नहीं पहुंचने देते। बाकी का इसका जो भी पार्ट है, इसके डायग्राम्स वगैरह अपन वो रेडिएशन फिजिक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपना डिफेक्ट है यहाँ पे ग्रिड कट ऑफ फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करते हैं कि किस रीजन से आ सकता है, ड्यू टू नॉन एक्यूरेट पोजिशन ऑफ द पेशेंट ऑन काउच। जैसा कि अभी आपने बात की कि आपका जो काउच है उसके ऊपर आप पेशेंट की पोजीशन लगा रहे हो, वैसे देखा जाए तो ये फैक्टर आपका किस में आना चाहिए, पोजीशनिंग आर्टिफैक्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इससे क्या होता है, पेशेंट की पोजीशन आप गलत लगा रहे हो उसके वजह से आपकी जो ग्रिड है उसकी पोजीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, और अगर ग्रिड की पोजीशन गलत होती है तो फिर आपकी इमेज के अंदर आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए अपन रिकवरी में क्या करेंगे, पेशेंट बॉडी पार्ट शुड बी पोजिशन विद मिड सेजाइटल प्लेन को इंसाइडिंग विद मिड एक्सिस ऑफ द टेबल। दैट मीन्स कि जो आपका पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है उसका जो मीडियल सेजाइटल प्लेन है वो आपकी टेबल की जो मिड एक्सिस है, ठीक है, उसके ऊपर होना चाहिए, एकदम उसके पैरेलल होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, वो दोनों मैच करने चाहिए ताकि आपकी जो ग्रिड की पोजीशन है वो गलत ना हो, और अगर ग्रिड की पोजीशन गलत नहीं होगी तो फिर आपकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी आएगी वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है ग्रिड इज़ नॉट कम्प्लीटली इंसर्टेड इन थ्रू द टेबल। जब कई बार क्या होता है कि जब अपन ग्रिड को इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर बक्की लगी होती है, बक्की में ग्रिड इंसर्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कई बार वो अपन उसको कम्प्लीटली इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से भी ये आपका फैक्टर आपने को देखने को मिल सकता है। तो इसके रिकवरी के लिए भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड शुड बी कम्प्लीटली इंसर्टेड इन टू द काउच, काउच के अंदर ग्रिड को अच्छे से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अभी अपन ने डिस्कस किया था मेनली टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ओवर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर, फोग, ठीक है, डबल एक्सपोजर, ग्रिड कट ऑफ फैक्टर, इन सब के बारे में पढ़ा अपन ने, इनके रीजन्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया कि किस किन कारणों से ये आर्टिफैक्ट्स आते हैं, और दूसरा इनकी क्या क्या रिकवरी, अपन इनको कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो आपके डिफेक्ट्स रह गए उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, फाइन।